नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महानलक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम का बैच प्रोसेसिंग, स्पूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि बेसिक फीचर्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें से आज हम हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें बैच प्रोसेसिंग, स्पूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। कि पहले हम डिस्कस करते हैं बैच प्रोसेसिंग, जो कि फीचर्स है किसका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसमें हम चलते हैं, पहले देखते हैं बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग होता क्या है? बैच प्रोसेसिंग, हमने हमारा जो पिछला जो लेक्चर था जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, जब हमने उसके इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था तो सेकंड जो पॉइंट था उसमें आया था बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जिसमें कोई भी जो ऑपरेशन या जिसे जॉब कह सकते हैं, जिन्हें ग्रुप में देते थे और वो ग्रुप में ऑपरेशंस को कलेक्ट करता है या जॉब को कलेक्ट करता है, देन वन बाय वन उसे एग्जीक्यूट करता है। तो देखते हैं बैच प्रोसेसिंग। इट इज़ ए टेक्निक ऑन विच एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट द प्रोग्राम एंड डेटा टुगेदर इन ए बैच बिफोर प्रोसेसिंग द स्टार्ट। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उसकी जो प्रोग्राम और उसकी डेटा है उसको कलेक्ट करके रखता है, किसमें, बैच प्रोसेसिंग में। तो बैच प्रोसेसिंग वह टेक्निक होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम तथा उसकी डेटा को कलेक्ट करके रखता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले। बैच प्रोसेसिंग मीन्स ए ग्रैप ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा इन द बैच फ्रॉम देन द प्रोसेस। पहले बैच प्रोसेसिंग जो होती है डेटा और प्रोग्राम को कलेक्ट करके रखता है ताकि वो वन बाय वन उसे एग्जीक्यूट करके रख सके, देन उसके बाद वो उसे प्रोसीड करता है। तो बिफोर द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले, प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले जितने सारे प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट कराना है, उन सारे प्रोग्राम्स को आपको पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग को देना होता है, वो उसे कलेक्ट करके रखेगा, देन आफ्टर उसे एग्जीक्यूट करता है। द मेन मोटिव ऑफ यूजिंग द बैच प्रोसेसिंग टू डिक्रीज द सेटअप टाइम ऑफ वाइलिंग द सबमिटिंग द सिमिलर जॉब्स टू सीपीयू। तो इसका मेन जो उद्देश्य था, मेन जो मोटिवेशन था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये है कि अगर हम प्रोग्राम को वन बाय वन, एक के बाद एक देते रहेंगे, तो एक प्रोग्राम को जो सेटअप करने में और उसमें देने में जो टाइम जो लगता है, वो टाइम जो वेस्ट होता था, उस टाइम को जो सीरियल प्रोसेस में जो टाइम वेस्टिंग होती थी, उस सीरियल प्रोसेस की टाइम वेस्टिंग को ही दूर करने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिमिलर टाइप्स के जॉब्स जो होते हैं उनको एक साथ सेटअप कर दिया जाता है और उनको नंबरिंग कर दी जाती है। जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रोसेस से यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, वह प्रोसेस, वह जॉब जो बैच ऑफ प्रोसेसिंग में सबसे पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर जो सेकंड आया वो सेकंड होगा, इस प्रकार से जो लास्ट में आया वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। अब ये कैसे होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिव रिलेटिव टू द बैच प्रोसेसिंग। किस प्रकार से बैच प्रोसेसिंग होती है? सबसे पहला, the OS define the job which has predefined sequence of command program and the data in a single unit. हम predefined command की सहायता से जितने सारे हमारे programs हैं उन programs को एक single unit में बांध के रखते हैं, then OS keep the number of job in the memory execution them without any manual information. आपको without manual information दिए बगैर जो operating system है batch processing, वो उसे sequence कर देता है। Suppose that हमने 10 job दिया, तो 10 job में किसे first देना है, किसे second देना है, वो manually आपको बतलाएगा नहीं, बल्कि वो अपने से sequence तैयार कर लेता है और तैयार करने के बाद उसे वो एग्जीक्यूट करता है। जॉब और प्रोसेस इन ऑर्डर सबमिशन, ये प्रोसेस किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से आपने उसे और जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में वो देता है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की चलती है। हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट रहेगा, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। व्हेन द जॉब कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन इन मेमोरी इज रिलीज एंड द आउटपुट ऑफ द जॉब गेट कॉपी इनटू आउटपुट स्पूल फ्रॉम
लेटर प्रिंटर या प्रोसेसिंग। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा उसका जो आउटपुट है, आपको जो आउटपुट डिवाइसेस है, जो स्पेलिंग डिवाइसेस आपने तैयार करके रखा है जैसे कि प्रिंटर, उसमें वो प्रोसेस होते जाएगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बहुत सारे जॉब को, सेवरल टाइप्स ऑफ जॉब को एक साथ एक यूनिट में कंबाइन कर देते हैं, पैक कर देते हैं, उसके बाद वन बाय वन जैसे हम उसको दिए रहते हैं, हमारा बैच प्रोसेसिंग उसे एग्जीक्यूट करता है। इससे एक साथ देने से फ़ायदा ये है कि सीरियल प्रोसेसिंग में जब एक प्रोसेस कंप्लीट होता था, फिर दूसरे को सेटअप करते थे, फिर तीसरे को सेटअप करते थे, उसमें टाइम वेस्टिंग होती थी, वो टाइम हमारा सेव हो जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं, हियर द डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए कि बैच प्रोसेसिंग कैसे होगा। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ बहुत सारे जॉब्स को एक साथ दे रहे हैं, जॉब वन टू एन तक। फिर उसके बाद इन्होंने इसकी नंबरिंग कर दिया ऑपरेटिंग बैच प्रोसेसिंग ने। बैच प्रोसेसिंग में और नंबरिंग करने के बैच होने के बाद पहला बैच पहुंचेगा सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा जाएगा, दूसरे के एग्जीक्यूट होने के बाद तीसरा जाएगा, तीसरे के एग्जीक्यूट होने के बाद चौथा। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बेसिक जो समझने वाली बात यह है कि जब तक फर्स्ट प्रोसेस यानी फर्स्ट जॉब कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेकेंड जॉब इंटर नहीं हो सकता है, चाहे फर्स्ट जॉब को प्रोसेस होने में कितना भी समय क्यों ना लगे। सेकेंड जॉब तभी इंटर होगा जब फर्स्ट जॉब कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, तभी सेकेंड जॉब इंटर हो पाएगा, अदरवाइज सेकेंड जॉब इंटर नहीं होगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेकेंड जॉब, जब सेकेंड जॉब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन इंटर होगा थर्ड, देन इंटर होगा फोर्थ। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा प्रोसेस इंटर होगा, इसीलिए इसे से हम कह सकते हैं सिंगल यूजर या सिंगल प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस है? तो पहला एडवांटेजेस तो यही होगा कि इसमें टाइम सेविंग हो रही है। द बैच प्रोसेसिंग टेक मच ऑफ द वर्क ऑफ द ऑपरेटर टू कंप्यूटर। बैच प्रोसेसिंग टेक मस्ट वर्क टू द ऑपरेटर टू, जो ऑपरेटर्स होता है वो कंप्यूटर पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकता है। इंक्रीज द परफॉर्मेंस, हम इसकी परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इन बैच सिस्टम ऑल द जॉब परफॉर्म इन रिपीटिंग इन विदाउट यूजर परमिशन। इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ऑल द जॉब आर परफॉर्म इन रिपीटिंग फ्रॉम विदाउट यूजर परमिशन। अगर एक प्रोसेस पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद बैच प्रोसेसिंग में वो जो जॉब है वो फिर से रिपीट हो सकता है यूजर से विदाउट परमिशन के। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोसेस है वो वन बाय वन चल रहा है, तो जिससे टाइम सेविंग हो जा रही है, सेटअप करने में टाइम की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस कारण से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कुछ फायदे हैं। अब इसके हर एक जो दो पहलू होते हैं, पहला एडवांटेजेस होती है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, एक कुछ खामियां हैं, जिस कारण से अनदर अलग अलग जो फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कॉन्सेप्ट जो आया वो उसके कारण से आया। तो देखते हैं हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, डिफिकल्ट टू डिबग द प्रोग्राम। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई डिबग आ गया तो उसे सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ए जॉब कुड इंटर द इनफाइनाइट लूप, जॉब इनफाइनाइट लूप में इंटर हो सकता है। अभी हमने कहा कि ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है, अगर यूजर इंटरफेस नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रमोशन स्कीम वन बैच जॉब कैन बी अफेक्टेड द पोलिंग द जॉब। अगर मान लो जाए कोई भी एक जॉब खराब हुआ तो वो पूरे जॉब को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा नेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन हम बात करते हैं स्पोलिंग। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे द्वारा जो डेटा जो डाला जाता था वो ग्रुप में डाला जाता था और वन बाय वन एग्जीक्यूट होता था। परंतु जब सिस्टम में एक समय में केवल एक ही स्पोल, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस समय हम सिस्टम का भरपूर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है स्पोलिंग, वो इसी पर निर्भर रहेगा। स्पोलिंग stand for the simultaneous peripheral operation online. So, in a spooling, more than one input-output operation can be performed simultaneously. स्पूलिंग की सहायता से एक या एक से अधिक input-output operation को एक साथ हम perform कर सकते थे। As compared to batch operating system में एक समय में केवल और केवल एक ही operation perform हो रहा था, परंतु spooling की सहायता से एक समय पर एक से अधिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज एट द टाइम व्हेन द सीपीयू एग्जीक्यूशन सम प्रोसेस
then more than one input-output operation can also be done at the same time. यदि उस समय CPU कोई operation perform कर रहा है, उस समय भी हम विभिन्न प्रकार के input-output operation perform कर सकते हैं same time पर. तो यहाँ पर जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में यहाँ पर कुछ फायदे हैं किसके, स्पूलिंग के. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए क्योंकि एक प्रोसेस के कंप्लीट होते तक कोई दूसरा प्रोसेस उसमें इंटरेक्ट नहीं हो पाता था. परंतु स्पूलिंग में एक प्रोसेस के चलते चलते में हम अनदर प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड. इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, इस इमेज की सहायता से हम समझते हैं कि किस प्रकार से होता है. तो पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक डिक्स है. डिक्स में देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास एक आया, डिक्स में सेव हुआ, मेन मेमोरी में गया, देन आफ्टर वो कहाँ पर जा रहा है हमारा, फिर से दूसरी तरफ जा रहा है. यानी कि देखिए यहाँ पर दो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से दो एट ए टाइम इंटरेक्ट हो रहा है. तो इस डायग्राम को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं, वी कैन सी दैट द इनपुट डेटा इज स्टोर्ड इन द सम काइंड ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस. दिस डेटा कैन बी फेचेस बाय द मेन मेमोरी. यहां पर देखिए कि इनपुट डिवाइसेस कहां पर स्टोर हो गया है, डिक्स में. डिक्स में स्टोर हो गया है, यानी कि इनपुट के द्वारा जो भी डेटा दिया गया है वो कहां पर स्टोर हो गया, डिक्स में स्टोर हो गया. डिक्स में स्टोर होने के कारण इसे सीधे फेच किया जा सकता है किसमें, मैन मेमोरी में. और उसी समय हम दूसरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं. द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच दैट इन जनरल द सीपीयू वर्क ऑन द स्टोर इन द मेन मेमोरी. जो डेटा है वो कहां पर स्टोर हो गया, मेन मेमोरी पर स्टोर हो गया. सिंस वी कैन हैव द नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस एट ए टाइम, तो इसलिए हम नंबर ऑफ डिवाइसेस को एट ए टाइम बहुत सारे परफॉर्म कर सकते हैं. सो ऑल दोज द इनपुट आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस कैन पुट द डेटा इन टू डिस्क ऑन ए सेकेंडरी मेमोरी. इस प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी में इनपुट डिवाइसेस के द्वारा विभिन्न प्रकार की डेटा को इनपुट किया जा सकता है. और वो डेटा कहाँ पर स्टोर रहेगा, मेन सेकेंडरी मेमोरी डिस्क में स्टोर रहेगा, और उसका मेन मेमोरी उसका यूज करते जाएगा. तो मेन मेमोरी एक से अधिक प्रोसेस को एक समय पर परफॉर्म कर सकता है, किसकी सहायता से, स्पूलिंग के साथ. यानी स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट ही वही है कि स्पूलिंग के सहायता से साइमल्टेनियसली हम एक से अधिक ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं. देन द मेन मेमोरी फेच द डेटा वन बाई वन फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड सीपीयू विल बी एग्जीक्यूटेड द सम इंस्ट्रक्शन ऑन दैट डेटा. उसके बाद मेन मेमोरी के साथ जो सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी फैच हो जाएगा, और उसके बाद सीपीयू एक के बाद एक उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा. बोथ द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डिजिटली इन नेचर, सो टेकिंग द डेटा इन मेन मेमोरी इज वेरी फास्ट. दोनों डिजिटल नेचर के होते हैं मेन मेमोरी और सेकेंडरी, इसलिए डेटा बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, फैच कर सकते हो. यानी एक प्रोसेस चल रहा है, चलते चलते में हम सेकेंडरी मेमोरी में क्या कर दिए, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा फिर से डेटा स्टोर कर दिए, और मेन मेमोरी उसको इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से फेच करते जाएगा. तो इसमें मच मोर टाइम हमारा बचते जाएगा. इसके एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेजेस होगा. पहला जो एडवांटेजेस है कि सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज विद द सीपीयू. इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का सीपीयू के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, सेकेंडरी डिवाइस के साथ हो रहा है. सो द सीपीयू नीड नो वेट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. यहाँ पर सीपीयू को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा डायरेक्टली कहां पर सेव हो रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो रहा है, और मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से उसे उठा रहा है. द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम. इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत टाइम लेता है, इसलिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहां पर हो जाएगा, एक प्रोसेस चल रहा है, चलते चलते में हम दूसरे प्रोसेस दूसरे जो डेटा है उसको हमने किस में सेव कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया, और सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा किस में ले लिया, मेन मेमोरी ने ले लिया. द सीपीयू कीप बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हैंस इट इज नॉट इन द आइडिया स्टेज विद द गुड हैव द सिचुएशन. इस प्रकार से हम सीपीयू की को बिजी रख सकते हैं और सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइसेस की वर्क है वो कैसी हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रहा है. अब आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने पहले देखा बैच, जिसमें एक ग्रुप था, एक यूनिट था, जिसे एक एक करके हम
एग्जीक्यूट करा रहे थे, दूसरा था हमारा स्पूलिंग जिसमें एक समय में हम एक से अधिक सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था परंतु उस समय पर अनदर वर्क हम और कर सकते थे लाइक स्टोरिंग द डेटा। अब हमारा आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर वन आर मोर प्रोग्राम लोडेड इन द मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। मल्टी प्रोग्रामिंग के द्वारा हम मेन मेमोरी पर एक समय पर एक से अधिक प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। नाम ही है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्राम एट ए टाइम मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड इन ए मेमोरी। एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम मेमोरी पर एग्जीक्यूट होता है। ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम रन टू एबल टू गेट द सीपीयू एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन व्हाइल ऑल द अदर इज वेटिंग देयर टर्न। एक समय में केवल एक, हमें मालूम है कि सीपीयू की रिसोर्सेज जो होती है वो सिंगल होती है, इसलिए एक समय में केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट ऑफ जो प्रोसेस रहेंगे वो क्या करते रहेंगे, उसे में वेट करते रहेंगे। जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ वो ऑटोमेटिकली वो इंटर्ड हो जाते हैं। द मेन आइडिया इज मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सीपीयू टाइम। दो इसका मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि हम अधिक से अधिक सीपीयू के यूटिलाइज कर सके और सीपीयू का अधिक टाइम हम ले सके और ज्यादा उसका उपयोग कर सके। इन दिस वे नो सीपीयू टाइम इज वेस्टेड, द सिस्टम वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट टास्क इज कंप्लीटेड। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा मल्टी प्रोग्रामिंग से इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के लिए या इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं इनपुट के लिए सिस्टम, इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। किसके द्वारा? मल्टी प्रोग्रामिंग के द्वारा। यहाँ पर आसानी से जो इसके यूटिलाइज करके हम आसानी से हमारे सीपीयू को बहुत ज़्यादा बिजी रख सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम की भाषा से समझते हैं, हमारी जो डेटा है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हमारी सीपीयू पर डेटा कैसे आ रही है? मेन मेमोरी पर। कहाँ पर? जो डेटा पूरी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है, राइटिंग है डेटा इनपुट ऑपरेशन के, सारी डेटा हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगी। वो एक साथ जॉब ए बी सी सब कहां पर आ जाएंगे? सीपीयू में। तो पहला जो जॉब है ए जब एग्जीक्यूट होता रहेगा तो बी और सी वेट करते रहेंगे, जैसे बी होगा सी आएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमें एक साथ हमने इस प्रोग्राम मेन मेमोरी में, अभी तक हमारा जो चल रहा था मेन मेमोरी में केवल एक ही आ रहा था, बैच प्रोसेसिंग में एक ही चलता था, एक एक के एक एक। स्पूलिंग में क्या हो रहा था कि एक समय में एक एग्जीक्यूट हो रहा था लेकिन उस समय हम सीपीयू में कोई और डेटा स्टोर करके रख सकते थे, स्टोरेज की प्रोसेस चलती रहती थी। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग की सहायता से हम मेन मेमोरी में एक से अधिक जॉब को डाल सकते थे। सेकेंडरी मेमोरी से हम डेटा को मेन मेमोरी में एक से अधिक यहाँ पर डाल रहे हैं, जबकि बेच प्रोसेस में मेन मेमोरी में केवल एक डेटा रहता था। स्पूलिंग में भी एक समय में केवल एक ही प्रोसेस रहता था, जबकि मेन मल्टी प्रोग्रामिंग की सहायता से हम मेन मेमोरी में एक से अधिक जॉब को या एक से अधिक प्रोसेस को हम इसके अंदर इंटर करा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी एग्जीक्यूशन चलती जाएगी। इसकी एग्जीक्यूशन में कैसा रहेगा? पहले जॉब ए आएगा, जॉब ए की एग्जीक्यूट होने के बाद में तब तक जो बी है वो वेट करता रहेगा, फिर बी ए जैसे ही हो जाएगा बी बिकम टू एग्जीक्यूटेड, फिर उसके बाद बी जब एग्जीक्यूट होता रहेगा तो सी उसके वेट करते रहेगा और जैसे ही बी एग्जीक्यूट हो जाएगा सी ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा और वो प्रोसेस चलते रहेगा। इस प्रकार से इसके सीपीयू का मैक्सिमम टाइम की यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? तो इसकी पहला एडवांटेजेस है हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट अपेरेंस द मेनी प्रोग्राम अलॉट ऑफ सीपीयू मोशन, यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोग्राम को अलॉट कर सकते हैं एक समय पर एग्जीक्यूट करने के लिए। इसकी जो डिसएडवांटेजेस है मल्टी प्रोग्राम की वो है सीपीयू शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड। इसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायर होगी क्योंकि मेन मेमोरी में एक समय एक से एक साथ एक से अधिक जॉब इंटर हो रहा है, तो कौन सा जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा इसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम आ सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ सकता है, प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग आ सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग हमारे पास अवेलेबल है, उनकी आवश्यकता पड़ेगा यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। To accommodate the several jobs in memory, memory management is essential. क्योंकि इसमें एक से अधिक
एक मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस एक समय एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहा है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए जो दो मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत है और मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इस प्रकार से आज के इंटायर हमने टॉपिक में डिस्कशन में हमने देखा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें पहले हमने देखा बैच प्रोसेसिंग, जिसमें डेटा वन एक ग्रुप में रहता है और ग्रुप में डेटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट कराया जाता है। दूसरा होता है स्पूलिंग, जिसमें स्पूलिंग में डेटा जब एग्जीक्यूट होता रहता है तो उस समय सीपीयू के यूटिलाइजेशन कराने के लिए अनदर हम प्रोसेस और कर सकते हैं। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, उस समय हम दूसरे प्रोग्राम के डेटा को हमारे हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे टाइम की वेस्टेज कम होती है। हमने देखा उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो डेटा था वो एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे जो डेटा है वो एक साथ बहुत सारे जॉब जो है एक ही मेन मेमोरी में एक साथ आ जाते थे और उसे वन बाय वन हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ये रहा आज का हमारा इंटायर टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कशन में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट के रेस्ट ऑफ जो फीचर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।